हेलो माय मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और जो आज का वीडियो मैंने क्रिएट किया है, इसमें मैंने किया ये बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आई मेकअप, जो कि आजकल चल रहा है वेडिंग सीज़न के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप अगर नहीं पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपना आई मेकअप बेस क्रिएट करना होता है। उसके लिए मैंने एक कंसीलर ब्रश लिया है और अपने आईब्रो के जस्ट नीचे नीचे बिल्कुल परफेक्टली एक कंसीलर की लाइन ड्रॉ करी है, और उसी को मैं अपने पूरे आईलेट पे स्प्रेड करूँगी अच्छे से, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी। फिर मैंने लिया है यहाँ लैक्मे का थोड़ा सा लूज पाउडर, जिससे मैं उसे कोट कर रही हूँ ताकि हमारे आई शेडोज क्रीज ना हो। फिर मैंने ये कलर लिया है फ्रॉम स्विस ब्यूटी रिवर्सल पैलेट। शेड का जो भी नेम है वो स्क्रीन पे इजीली विजिबल है। ये थोड़ा पिंकिश कलर है, मैं इसको एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने लिया ये सैंड कलर, जो कि एक ब्राउन का शेड है, और इसे मैं सेकेंड नंबर पे जस्ट पिंक वाले शेड के नीचे प्लेस करूँगी। ब्रश मैंने सेम रखा है, वही पेंसिल ब्रश जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया है। तो दोनों शेड्स को अच्छे से मिक्स करके हमें दोनों को ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैंने लिया है शेड आइवरी, जो कि ब्राउन का ही एक ग्लिटरी सा शेड है। इसे मैंने फिंगर टिप की हेल्प से अप्लाई किया है। मैंने पहले ही बताया है, जितने भी शिमरी शेड्स होते हैं वी हैव टू अप्लाई देम यूजिंग आवर फिंगर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होते हैं वो। तो मैंने पूरे लिड पर उसी को ही अप्लाई किया है और इसी को ही मैं कोट कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना पे ऑफ दे दे। देखिए कितना डार्क कर दिया है मैंने इसको, फिर भी देखने में बहुत न्यूट्रल लग रहा है। और लास्ट में मैंने शेड पर्ल लिया है, उससे मैंने अपने आई के इनर कॉर्नर को और अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट किया है। नेक्स्ट लिया है मैंने लैक्मे का जेल लाइनर, इसके हेल्प से मैं एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर या पेंसिल आईलाइनर से भी बना सकते हैं आईलाइनर। तो मैं अच्छे से एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ मेरे माइंड में हैं और अपकमिंग वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये रिमल लंडन का ब्लू काजल, और मैंने इसे वाटर लाइन पर अप्लाई किया है। सो काजल लगा लेने के बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा। यहाँ पे जो मैंने मस्कारा यूज़ किया है, मेबेलिन न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल मस्कारा है, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और इसी के साथ मैं दोनों लैशेस, अपनी अपर और लोअर दोनों लैशेस कोट करूँगी, और लास्ट में लगाऊंगी फॉल्स लैशेस, जिससे कि ये सिंपल वाला लुक भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो आज का लुक ऐसा ही है, बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही ज़्यादा कूल टोन्ड आई मेकअप मैंने क्रिएट किया है। काफ़ी सारे लोग इतना ज़्यादा डार्क हैवी मेकअप अप्लाई नहीं करना चाहते, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत परफेक्ट है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा आज का वीडियो, आज का मेकअप कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।